फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। गैरेज मालिक की दबंगई, काम कराने के बाद कारीगर से मारपीट का आरोप, काबुर बावड़े पुलिस स्टेशन ने दर्ज की एनसी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 4 मई शनिवार को थाने के कापुर बावड़े पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मुमरा में रहने वाले गैरेज मालिक और कार के डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले कारीगर, इनके बीच में विवाद होकर मामला मारपीट तक पहुंचा। निहाल शेख, जो कि कार का डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं और कापुर बावड़ी में ही गैरेज चलाते हैं, मीनार रेसिडेंसी कौसा में रहने वाले मुशाहिद, तो इनके गैरेज पर पिछले कुछ दिनों से मारुति स्विफ्ट सुजुकी कार का डेंटिंग पेंटिंग का काम निहाल कर रहे थे। आधा काम होने के बाद मुशाहिद ने यह काम दूसरे किसी कारीगर को दे दिया, इसी को लेकर विवाद हुआ। फिर मुशाहिद पर निहाल का आरोप है कि उसे लोहे की रॉड से मारा गया, मारपीट की गई। अब इस संबंध में निहाल की एनसी जो है 324, 504, 506 धाराओं के तहत कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन ने दर्ज कर ली है। पूरे मामले को लेकर हमारी निहाल से बात हुई है, निहाल ने क्या जानकारी दी और उसके बाद हमने मुशाहिद से भी बात की है, मुशाहिद ने क्या कहा इस पूरे विवाद को लेकर और अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर। सुन भाई, क्या नाम है आपका? निहाल नाम है भाई मेरा। निहाल भाई, आपके साथ मारपीट हुई है, ये कब हुई है और कहां पर हुई है? ये अपना थाना बालकुम सिग्नल जो है थाना प्रभाग समिति के बाजू में एम गैरेज करके है, उधर पे मारपीट हुई मेरे साथ में। जो गैरेज का ओनर है उसने मुझे बहुत मारा है। क्यों मारा है? हम लोग का, मैं उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता हूँ कार पेंटिंग का, मैं कार स्प्रे पेंटर हूँ। तो एक गाड़ी जो बुलेरो करके है, एक गाड़ी लिया हुआ है उसमें पेंटिंग के लिए, जिसमें मैं लेबर वर्क पे काम कर रहा हूँ। तो वो गाड़ी का ऐसा मसला था कि वो गाड़ी ना उन लोग के इंटीरियर के काम की वजह से, मैकेनिकल काम की वजह से लेट हो रही थी, और मुझे डेंटिंग पेंटिंग का काम मेरा है, पेंटिंग का, डेंटिंग के काम की वजह से भी लेट हो रही थी गाड़ी। तो वो गाड़ी की वजह से मुझे इतना हाइपर किया हुआ उसने कि मुझे बोल रहा है कि गाड़ी कर, कस्टमर आ रहा है मुझे सता रहा है। और आज मैं रमज़ान से गाड़ी लिया हूँ, आज तक वो, आज 4 मई है और रमज़ान में मैं काम लिया हूँ, आज तक वो गाड़ी मुझे कंप्लीट करके नहीं दे पाए, ना मैकेनिकल काम में ना डेंटिंग के काम में। तो मैं पेंटर का काम है मेरा, पेंटिंग का फाइनल काम होता है, मैं कैसे प्रोसेस कंप्लीट कर सकता हूँ पेंटिंग का? तो वो बेस पे वो पेंटिंग के काम की वजह से मेरे को उसने हुज्जतबाजी किया और उसने मेरे को बोला कि ये काम कर ऐसा वैसा। फिर आज उसका, आज की डेट में उसका एक नया पेंटर गैरेज में आया, वो आया पेंटर और वो मुझे बोलता है, मुशाहिद करके गैरेज वाला है जो ओनर है, वो मुझे बोलता है कि एक काम करो, बोलते तुम्हें ना तुम्हारा, बोलते जो बोलेरो है, बोलते वो कंप्लीट करो, बाकी तुम्हारे हाथ में का जितना काम है वो मेरे पेंटर को दे दो, तुम्हारे से काम होने वाला है नहीं। तो मैं बोला भाई, अगर ऐसी बात है, तुम जो मेरे हाथ में का काम किसी और को दे रहे हो तो तुम मेरा काम पूरा ही दे दो उसको, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरा क्या हिसाब किताब बनता होगा, या तुम्हारा मेरे पे निकलता होगा या मेरा तुम्हारे पे निकलता होगा, अपन हिसाब किताब क्लियर करके निकल जाते हैं, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। तो उन्होंने वो कुछ बोले नहीं, वो बोले नहीं तू ज़्यादा हिकड़ी दिखा रहा है क्या, तू ज़्यादा ये पटेली कर रहा है क्या, मेरे को ऐसा। कौन बोल रहा था? ये मुशाहिद करके है, वही गैरेज वाला जिसने मुझे मारा है, ओनर जो है, ओनर। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद में मैं वहाँ से निकला, मैं वहाँ से कुछ बोला नहीं, मैं उन लोगों को कुछ साफ साफ चुप बैठा। उसके बाद में ना मुझे बोलता है, बोलते ये गाड़ी, बोलते तू सिर्फ बोलेरो कर, बाकी वो काम नहीं करने मिलेगा स्विफ्ट का। तो मैं बोला भाई देखो ऐसा मत करो, मेरा आधा काम हुआ है उसमें, तुम क्या हिसाब से मुझे पैसा दोगे, या तो फिर हो सकता है तुम नहीं भी दोगे। तो मुझे ज़्यादा ही गाली गलौज करने लगा और डायरेक्ट बोला आज तो तेरी, बोलते माँ, बोलते और जाके स्टील का बड़ा वाला रॉड आता है ना, एक एक्सेल बोलते उसको, वो एक्सेल ला के मुझे मारने लगा। 4-5 लोग गैरेज में जो आदमी लोग थे, कस्टमर लोग थे और आदमी लोग थे, उन लोग ने मुझे बचाए। आज अगर वो मारता मेरे सर में लग जाता तो आज तो मेरी, मैं तो खलास ही हो जाता भैया। आज मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मैं अकेला कमाता हूँ, मेरी वाइफ ऑनली ऑलरेडी कैंसर पेशेंट है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कैसे कैसे करके ज़िंदगी काट रहा हूँ मुझे पता है मेरी। आप चाहे तो मेरे बारे में इंक्वायरी भी ले सकते हो। और उसके बाद में फिर मुझे मारा, तो मुझे गाली गलौज बहुत गंदी गंदी गाली गलौज दे रहा था। तो मैं उसको बोला कि भाई गाली मत दो, गाली मुझे भी आता देना, जो तुम गाली मुझे दे रहे हो ना, जैसे उसने मुझे बोला तुम आदमी, बोला तुम होंगे, तो बोले कि भाई, बोलते अब तेरे को पता था। और उसने सीधा लेके मुझे चमाट मारा और गिरा गिरा के मारा वहाँ पे गैरेज में। और इसका सीसीटीवी फुटेज भी है, वो लोग सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे नहीं, वो लोग इतने लोग
टैग भी नहीं दिखाएंगे। और क्या बोलते हैं, जो गैरेज में जो कस्टमर लोग आते हैं ना, वो लोग आधे से ज़्यादा पुलिस वाले भी आते हैं, तो मुझे पुलिस वालों की धमकी देता है, बोलता है तू जा। मैं वहाँ से जब मार खा के निकला वहाँ से, तो मुझे बोलता है कि तू जा, बोलते जो पुलिस स्टेशन में जाना है बोलते वहाँ पे जा, बोलते तो मेरा कुछ बाल बाका नहीं कर पाएंगे, बोलते सब पुलिस वाले बोलते हमारे, बोलते कस्टमर हमारे बंधे हुए, बोलते ऐसा बोलता है। और उसका भाई देखो, आज भी तुम वहाँ पे देखोगे तो उसका भाई आज भी आके अभी भी बैठा है वहाँ पे। अच्छा। मैं यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराने आया हूँ यहाँ पे पुलिस चौकी में, तो हाँ। उसका भाई आके वहाँ पे प्रेशर डाल रहा है। किस लिए प्रेशर डाल रहा है? अब पता नहीं मुझे क्या प्रेशर डाल रहा है उसका भाई, वो हामिद भाई का आके बैठा रहा हूँ। क्या नाम है इसका? उसका नाम है महमिद भाई, छोटा भाई है वो। महमिद? हाँ महमिद। अच्छा। और जो बड़ा भाई जिसने मुझे मारा उसका नाम है मुशाहिद। अच्छा मुशाहिद। हाँ। और ये जो महमिद करके ये उधर पे बोल रहा है, मतलब जब बहसबाजी ज़्यादा हो गई ना, तो महमिद बोलता है मारो, बोलते इसको मारो, बोलते और मारो, बोलते इसको। अच्छा, आप अभी कापड़ वाली पुलिस स्टेशन में आए थे शिकायत दर्ज कराने, क्या आश्वासन दिए पुलिस ने? पुलिस वालों ने क्या, पहले मेडिकल में भेजे, मेडिकल कराए मेरा, और उसके बाद में ये NC लेके दर्ज किया मेरी, और उसके बाद में बोले कि आप जाओ, बोलते आपको फ़ोन आएंगे, बोले ठीक है। आपके वर्कर के साथ कुछ मारपीट हुई थी आपकी? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ था वो? असल मसला कैसे है मालूम भाई, काम पेंडिंग का काम था। हाँ। वो आता 3-4 बजे, चलो ठीक है, एक हफ्ता कंटिन्यू 3-4 बजे 3-4 बजे, फिर बोलता भाई कल सुबह में आता हूँ, ठीक है भाई, कल पूरा दिन गायब हो गया, आया ही नहीं, 5-5 गाड़ी खड़ी हो गई आपकी। उसके बाद आप कौन ले गए? मैं रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर हूँ। तो उसके बाद मैं दूसरे पेंटर को बुलाया, दूसरे पेंटर को बुलाया तो वो मान के चढ़ गया, आपने एडवांस नहीं ले लिया मेरे से, वो मेरे ऊपर चढ़ गया, उसके हाथ में वो काम था, दूसरा पेंटर बुलाया उसको, दूसरी गाड़ी दिया मैं, तो बोलता भाई दूसरा पेंटर तेरे आश्रय पर, बोलता नहीं मैं ही करूँगा सब काम। उसका कहना है कि आपने उसकी कोई गाड़ी कर रहा था ऑलरेडी वो, तो आपने गाड़ी छीन के दूसरी गाड़ी दी उसको, ऐसा मेरे को पेंटर सामने मेरे से मत पूछिए, आप पेंटर लोग तो उसको मारपीट किए थे आपने? मारपीट नहीं, खाली धक्का धुक्की हुआ है। कपड़े वपड़े फटे उसको? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ है। वो फाड़ लिए रहेंगे तो वो अलग बात है, अपने पास सब ये है, आदमी लोग हैं यहाँ पे, दो दो कस्टमर थे, आप बोलेंगे तो दोनों कस्टमर। आपने रॉड वगैरह से मारे ऐसा? कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं, पूछो ना रॉड उठाया। कब से काम करता था? कब से काम करता? ये समथिंग 1 महीना पकड़ लो ना, 1-1.5 महीना वैसे ही भटक भटक के काम करते चाहते। आपने रॉड उठाया है? हाँ मैं रॉड उठाया, गलत नहीं बोलूँगा, रॉड उठाया और सबके सामने मैं रॉड उठाया, लेकिन मारा नहीं। क्या गैरेज का नाम है आपका? AM।